सबसे पहले तो मैं ताहिर किरमानी साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के स्टैचू का इशू उठाया, हमने लीडर ऑफ द हाउस से भी बात की थी और चेयरमैन साहब के पास भी गए थे, तो हमने कॉलिंग अटेंशन पुटअप किया हुआ है। एज इंडिविजुअल पाकिस्तानी सिटीजन, एज ऑल 100 सेनेटर्स, ये हमारी इंडिविजुअल ड्यूटी है। जिधर भी हमारे फादर ऑफ द नेशन का घर हो, जिधर भी हमारे कायद अलामा इकबाल साहब का घर हो, म्यूजियम हो, हमें उनको प्रोटेक्ट करना है और रिस्पेक्ट और डिग्निटी देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की शान कायदे आज़म से है, पाकिस्तान की शान अलामा मोहम्मद इकबाल से है। हम लोग कुछ भी नहीं है उनके बगैर जनाब चेयरमैन। दैट्स व्हाई आई वांटेड के चाहे वो स्टैचू हो ग्वादर में, हमारे एंटी पाकिस्तानी एलिमेंट समझते हैं कि हम स्टैचूज तबाह करके हम कायद को दिल से निकाल देंगे। हमारी तो यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के कोने कोने में कायद आज़म का स्टैचूज होने चाहिए, ताकि हमारी न्यू जनरेशन को पता लगना चाहिए कि पाकिस्तान इज़ नथिंग विदाउट कायद आज़म। इट्स बिकॉज ऑफ हिज सेक्रीफाइस वी आर नाउ हेयर, वी आर नाउ हेयर सेनेटर्स। जनाब चेयरमैन, बींग फ्रॉम फ्रीडम फाइटर्स फैमिली, हम 2006 में भी हमने देखा जब पाकिस्तान का फ्लैग क्वेटा में बहुत मुश्किल से लगाया जाता था, हमें वो चीज़ें पता है। और आज जब हमारे ये स्टैचूज तबाह हो रहे हैं, जो खुदा बाबर की फीलिंग्स हैं, जो मेरी फीलिंग है, जो एज आम पाकिस्तानी की फीलिंग है, इट्स बियॉन्ड पार्टी पैरामीटर्स, क्योंकि ये हमारा साइन ऑफ रिस्पेक्ट है, साइन ऑफ डिग्निटी है। हम चाहते हैं कि आप एक अच्छी पॉलिसी बनाएं, इम्प्लीमेंटेशन उसमें फुली इम्प्लीमेंट हो, कि हम कायदे आज़म का जो रेजिडेंस है कराची में उसको किस तरह प्रोटेक्ट करें, कायदे आज़म का घर जो बॉम्बे में है इंटरनेशनली उसको किस तरह प्रोटेक्ट करें, कायदे आज़म की रेजिडेंसी है जिस पे एक दफ़ा पहले भी हमला हो चुका है, वो हमारी आइडेंटिटी है, वो हमारी शनाख्त है, हम किस तरह उनको प्रोटेक्ट करें। जनाब चेयरमैन, द अदर एलिमेंट जो हमारे फाजिल दोस्त ताहिर बिजिंजो साहब ने एम कैट मेडिकल टेस्ट का इशू उठाया, जनाब चेयरमैन बलोचिस्तान के जो बच्चे हैं वो बहुत पीछे हैं। 40% पिछली दफ़ा भी जो पेपर था वो फेडरल से आया था, बच्चे जिसकी वजह से काफ़ी अपसेट हुए। हम चाहते हैं कि हमारे लिए ऐसा बोर्ड बनाया जाए, ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि हम आके इस्लामाबाद में कम्पीट कर सकें, हमारे बच्चे लम्स भी जाएं, हमारे बच्चे आगा खान में भी एडमिट हो, हमारे बच्चे नस्ट में भी जाएं। सो आपने पहले भी ये केस लिया हुआ है, सो आई वांट कि दोनों इश्यूज पे आप फुली कंसिडरेशन और आपके ऑर्डर्स हमें चाहिए। थैंक यू।